प्राइस आज एक ऐसा प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मार्केट में अगर मैं बोलूं हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्लान कौन सा है तो एक यही इकलौता प्लान है जो सस्ता और अच्छा है यानी चीफ एंड बेस्ट जो प्लान बोल सकते हैं वो है नाम तो सारे लोगों ने सुना होगा पर सारे लोग जानते नहीं होंगे कि एस बी आई करते हैं क्योंकि तो एस सारे लोग बैंक से ही जानते हैं जनरल इंश्योरेंस में बहुत कम है एस के क्रेडिट कार्ड वगैरह आप यूज करते हो बट एस जनरल इंश्योरेंस का जो मेन चीज़ है वो मोटर है इंश्योरेंस में भी तो स्वयं उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है प्लान का जो नाम है आरोग्य प्लस है तो वीडियो को बड़े ही नहीं करते हैं सारी चीज़ें वीडियो में जल्द से जल्द बताते हैं स्टार्ट करते हैं आरोग्य प्लस प्लान की बेनिफिट तो ये जो प्लान है पहली बात इस जो प्लान में कहीं भी मैंने इस प्लान को जब स्टडी किया तो कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि प्रॉब्लम करे कि अगेंस्ट टू बजट क्योंकि तो एक इको फ्रेंडली बजट है कोई भी इंसान इस पॉलिसी को परचेज कर सकता है जिसका बजट नहीं है ले नहीं पा रहा है वो भी अगर इस पॉलिसी को लेना चाहे तो बड़ी आसानी से परचेज कर सकता है प्लान अच्छे हैं और उसके हिसाब से आपके हॉस्पिटल भी मिलेंगे और आपके क्लेम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी समझना है कि बेनिफिट इस प्लान के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो कि आ, सबसे मेन फैक्टर है वो है एज पॉलिसी किस एज में ले सकते हैं तो मिनिमम इस प्लान के अंदर थ्री मंथ की एंट्री एज है जो कि बच्चे फ्लोटर में जब देखते हैं तो बच्चे तीन महीने के होने चाहिए और मैक्सिमम इस प्लान की जो एग्जिस्ट मतलब पॉलिसी परचेज करने की जो मैक्सिमम डेट है वो है सिक्सटी फाइव ईयर उसके बाद ये प्लान लाइफ लॉन्ग रिन्यू होगा कभी भी आपका बंद नहीं होगा पैंसठ साल तक ले सकते हैं अभी इन दोनों स्लैब के अंदर एक स्लैब और आता है कि अगर मैं सिक्सटी फाइव पर जा रहा हूँ तो आजकल जो प्री मेडिकल जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो पचपन साल की एज तक इस प्लान में आप जो है मेडिकल चेकअप के लिए एलिजिबल नहीं है मतलब आप पचपन साल तक पॉलिसी ले रहे हैं तो कोई भी आपका मेडिकल चेकअप नहीं होगा डायरेक्ट पॉलिसी कंपनी इशू कर देगी हाँ जी अगर आप पॉलिसी को पचपन साल प्लस में जा पॉलिसी परचेस करें तो एक मेडिकल टेस्ट होगा और इनका जो टेस्ट है वो ज़्यादातर डोर टू डोर होता है ऑनलाइन वगैरह नहीं होता डोर टू डोर होता है आपके जाना या तो आपको ये लैब बुला लेंगे नियरेस्ट है या इनका ही पर्सन जो लैब से अटैच होगा वो जाएगा ब्लड सैंपल लेगा और जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे अपना डिसीजन दे ये पॉलिसी इशू करते हैं सेम प्रोसेस सारी कंपनियों का है सेम इनका भी अगर ये पॉलिसी में इशुएंस में को कोई दिक्कत आती है तो रिफंड आपका कर देते हैं टैक्स ऑन बेसिस ऑफ टैक्स के वे... आपकी जो टैक्स टू है टेस्ट में जो रिपोर्ट आई है टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं वो भी बताते हैं पैसा भी रिफंड कर देते हैं तो हो गए, ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब बात करते हैं इस प्लान में और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इस प्लान को अच्छा बनाती है तो सबसे बढ़िया बेनिफिट जो मुझे लगा प्रीमियम फिक्स यस प्रीमियम लाइफ टाइम फिक्स है इस प्लान का मैं किसी भी एज में पॉलिसी परचेज कर रहा हूँ मैक्सिमम चार लोग हस्बैंड वाइफ दो बच्चे इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर किसी में भी हम तीन लोग हैं हस्बैंड वाइफ बच्चे इंडिविजुअल मैं इस पॉलिसी को परचेज करता हूं तो इस पॉलिसी में मेरा प्रीमियम लाइफ टाइम फिक्स होगा अगर विदाउट जीएसटी में बात करूं तो एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड है जीएसटी के साथ बात करूं तो दस हजार पाँच सौ दो रुपए थ्री लैख रुपीज का फैमिली फ्लोटर प्लान का यही प्रीमियम है ऑल ओवर इंडिया प्रीमियम विल बी फिक्स कोई भी चेंज नहीं होगा प्रीमियम के अंदर तो ये एक ऐसा नहीं लगता है कि पैंसठ में इकसठ साल का हूँ हस्बैंड वाइफ है तब भी दस हजार पाँच सौ दो आ रहा है बहुत अच्छा प्लान है इस वजह से अगर इसको आप टेन्यूअर की बात करें तो पॉलिसी को वन टू थ्री ईयर एक साथ भी परचेज कर सकते हैं सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का उनको वहाँ पे भी आपको कंपनी डिस्काउंट दे रही है इस प्लान के अंदर जो डे केयर की बात करता हूँ तो वन फोर्टी वन डे केयर भी कवर है कुछ ऐसी डिजीज जो चौबीस घंटे से कम में ऑपरेट होती हैं तो बहुत सारे प्लानों में कवर है सेम इस प्लान में भी वन फोर्टी वन जो डे केयर डिजीज है वो भी कवर है इस प्लान पे भी एट्टी डी का पार्ट है तो एट थ्री डी का मतलब आपको टैक्स सर्टिफिकेट में भी एट्टी डी का बेनिफिट मिलेगा पॉलिसी के ऊपर ये मैं साइड में जो चला रहा हूँ ये प्लान के बेनिफिट है ये आपको हेल्प करेंगे परचेस करने में और इस प्लान को अगर बजट आपका बन रहा है तो इस प्लान को परचेस कर सकते हैं कि ना होने से ये सबसे बेस्ट है प्रीमियम भी नहीं बढ़ेगा प्लान भी है और हेल्थ इंश्योरेंस में जाकर आप क्लेम भी कर सकते हैं तो ये आपके दोनों चीजों को कवर कर रहा है पॉलिसी इस चीज के लिए ठीक है तो पॉलिसी टर्म मैंने बता दिया कि तीन साल का है आपका इसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट भी है तीन साल का एक साथ परचेस करते हैं तो वो बेनिफिट भी आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलेंगे हम बात करते हैं इसमें डोमेस्टली भी कवर है डोमेस्टली मतलब घर पे रहकर जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो भी कवर है ठीक है और इसमें प्री और पोस्ट सिक्सटी नाइनटी एडमिट होने से पहले दो महीने और डिस्चार्ज होने के बाद तीन महीने के जो मेडिसिन के खर्चे आएंगे वो भी इस प्लान के अंदर कवर है तो सब कुछ है डायमोसली है डे केयर है आपका जो इनपेसेंट हॉस्पिटलाइजेशन है या फिर आपके कोई भी ट्रीटमेंट होता है वो सारी चीजें इसमें भी हैं अब वो एक कॉमन बेनिफिट जो सारी चीजों में हम देखते हैं वो इस प्लान में भी देखना है हमें वो है वेटिंग पीरियड वेटिंग पीरियड का मतलब आप गाइस समझ जाइए कि प्लान में कब क्या कैसे कवर होगा तो पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल सारी कंपनी में होता है सेम इसमें भी है डे वन से रहेगा एक्सीडेंटल सिनेरियो इनडोर हो आउटडोर हो बीमारियां जो होती हैं थर्टी डेज के बाद सारी कवर है कोई भी इलनेस होती है थर्टी डेज के बाद कवर है कोई पुरानी बीमारी होती है जो पॉलिसी में मेंशन कर रहा हूँ फोर्टी एट मंथ यानी चार साल के बाद कवर है स्पेसिफिक इलनेस जो स्लो ग्रोइंग होती है कैटरा कैटराठानिया वगैरह इस पॉलिसी के अंदर जो स्पेसिफिक इलनेस है वो ट्वेल्व मंथ यस नदर पॉलिसी में दो साल या एक साल का या एंड या नया नब्बे दिन का वेटिंग पीरियड इस पॉलिसी में रहता है तो ये वेटिंग पीरियड भी है कंपनियों से कंपेयर करो तो वेटिंग पीरियड में भी आपको फायदा मिलता है अब बात करते हैं इसमें ओपीडी एक्सपेंसेस भी है इसमें ओपीडी है ओपीडी है आपको जब आप परचेज करने जाओगे फाइनल पेज पे तो आपको तीन ऑप्शन आएंगे ऑप्शन वन ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में पांच सौ रुपए का ओपीडी है सेकंड ऑप्शन में आपको टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का ओपीडी है और थर्ड ऑप्शन में आपको सेवन थाउजेंड का ओपीडी है अगर ऑप्शन टू को परचेज करते हो और सम इंश्योर्ड आप तीन रखते हो थ्री लाख रखते हो तो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फोर का प्रीमियम आएगा यानी कि टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू में दस हजार पांच सौ दो प्रीमियम बिल भी फिक्स तो फिक्स प्रीमियम पॉलिसी है सब कुछ है मैं कह रहा हूँ कि आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है आपको जहाँ एक दो लाख रुपए लग रहे हैं इस पॉलिसी से कम से कम आपको बेनिफिट तो मिलेगा दस हजार साल में निकालना आपको जीएसटी के साथ तो इस इंश्योरेंस में आपको सब कुछ मिलेगा और ये एस के साथ टाइप है एस जनरल इंश्योरेंस का प्लान है सब कुछ कवर है अच्छा प्लान है आप इसको देख सकते हैं इससे रिलेटेड प्लान को और कोई जानकारी चाहिए चीजें समझनी हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में ऑलरेडी दे के रखता हूँ राइट थैंक यू